हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो मैं आ गई हूँ ऑफिस से और आप 2-3 दिन के वीडियो में देख रहे होंगे कि मेरा हाथ यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे जाने का रीज़न भी आपको पता है कि मेरे दांत में दर्द है। और बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे आइसक्रीम खाना चाहिए, तो आइसक्रीम खाने से यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स होगा। और मैं यहाँ पर टच भी कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ आइसक्रीम खाने, तो ये आइसक्रीम मैं लेके आई हूँ चॉकलेट फ्लेवर का। तो चलिए मैं खाती हूँ आइसक्रीम और बताती हूँ इसका टेस्ट भी, और फिर बताऊँगी कि इसको खाने से वो जो पेन है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओ यम्मी। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी है आइसक्रीम, और मैं यहाँ पे ले जाके रखने का कोशिश कर रही हूँ थोड़े देर, ताकि यहाँ थोड़ा सा ठंडक पहुँचे और थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिले। तो मैं आपको बताऊँगी, ये 30 रुपीज़ का आइसक्रीम है लेकिन टेस्टी है। और ये हो गया है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे मैं ऑफिस से रिटर्न हो रही थी, मैं गई थी थोड़ा रोला मार्केट, कुछ काम था। तो ये मैंने नर्सरी का वीडियो ले लिया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बस मन कर रहा था कि देखते रहूं देखते रहूं। और आपको मैं बता देना चाहूँगी कि मैंने जो आइसक्रीम खाया था उससे मेरे दांतों में बहुत रिलैक्स मिला। तो अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप आइसक्रीम खा सकते हैं। और उसके बाद मैं और मेरी रूममेट आ गए जूडियो मार्केट, है जो सामने में ही है, मेरे पीजी के से 1 किलोमीटर के दूरी पे है। तो मेरे फ्रेंड्स के पास कुछ कार्ड्स था, उसको कुछ लेना था, वैलिडिटी उसका 10 या 15 दिन का था, लेकिन यहाँ पे वो लोग उस कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किए तो उसने कुछ लिया नहीं। तो मैं तो स्पेशली खोज रही थी शूज़ और सैंडल अपने लिए, तो मुझे कुछ ऐसा कुछ खास नहीं लगा, मुझे मतलब कपड़े मुझे उतने कुछ खास नहीं लगे। तो ये देखिए, मैं देख रही हूँ यहाँ पे सैंडल वगैरह। I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लाइट मुझे इतना अच्छा लग रहा था इसका कलर कि मैं फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही थी मिरर में, लेकिन फ़ोटो अच्छा नहीं आ रहा था, ये ओरिजिनल लाइट का कलर नहीं आ रहा था। और उसके बाद वो देख रही थी कुछ कपड़े वगैरह, लेकिन उसे भी पसंद नहीं आया। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं लोयल सिटी मार्केट, और ये दूसरा ब्रांच है लोयल सिटी मार्केट का। तो मेरी फ्रेंड कुछ ले रही है और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। मैं थक गई हूँ खड़े खड़े, जब से ऑफिस से हूँ तब से घूम रही हूँ, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ और मेरी फ्रेंड ले रही है। तो आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हम लोग रोला मार्केट से आए, सॉरी रोला मार्केट नहीं, लोयल सिटी मार्केट से घूमते घामते आए, और पैदल ही घूम रहे थे क्योंकि नज़दीक ही था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ठंडे ठंडे हवा में आराम से हम और मेरी रूममेट दोनों घूम रहे थे। और आने के बाद ये देखिए, ये मैंने इतने थके हुए में भी मुझे मेहंदी लगाने का शौक़ चढ़ा था, तो मैं ये मेहंदी लगाई, ये मैंने खुद अपने हाथों से लगाई है और मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये मेरी रूममेट मुझे लगा दी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और कलर भी बहुत अच्छा आया था। अभी मैं आपको उसका भी वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, जो आफ्टर मेहंदी के बाद का क्या है। तो ये आपको डिज़ाइन कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं आता, प्रोफेशनल तो नहीं आता,
लेकिन थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ। ये देखिए, तो ये मेहंदी मैंने लगाया। और फ्रेंड्स, मैं पहले जो मेहंदी लेके आई थी ना, वो मुझे ब्लैक कलर का दे दिया था, फिर मैं उसको रिटर्न करके फिर ये ओरिजिनल मेहंदी लेके आई। ये देखिए, ये मुझे ब्लैक कलर का देखिए दे ये दिया लड़की है। मेरे क्या कर रही है मेरे पैरों के साथ। एक तो मैं मेहंदी में ठगा गई हूँ रेड कलर बोल के, ये देखिए ये ब्लैक कलर का मेहंदी दे दिया। ऐसा कोई मेहंदी देता है दिस नॉट क्या? मेहंदी, मार्कर मार्कर है वो। यस, दिस इज मार्कर। दिस स्मेल्स सो वेरी बैड यार। और ये देखिए, ये है मेरा मेहंदी का कलर। मुझे बहुत ब्लैक नहीं पसंद है, तो मेरे पसंद के लायक कलर हुआ था। और मेरे पास मेहंदी कम था, इसलिए कहीं कहीं मेहंदी छूट भी गया है, जैसे फिंगर्स पे। तो ये था मेरा मेहंदी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।